बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये नोकिया 130 के हवाले से है। नोकिया 130 2017 जिसका TA है 10-17। तो इसमें प्रॉब्लम जो मेरे पास आ रही थी वो थी LCD वाइट आने की। तो इसकी ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया और इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पर पहले मैंने नई LCD वगैरह लगा के चेक किया, पुरानी LCD भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो पुरानी भी अब आ जाएगी लेकिन मैं न्यू पे ही आपको चेक कराऊंगा। इसमें वाइट LCD का प्रॉब्लम था तो वो सोल्यूशन मैंने किया, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सिंपल सा एक सोल्यूशन मैंने किया है। सोल्यूशन इसमें ये है कि इसका एक पॉइंट यहाँ पे मिस था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। 5वें नंबर वाला इस साइड से नंबर 5 जो है इसका ये मिस था और यहाँ पे इसको मैंने जंपर दे दिया तो इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मैं अभी आपको इसको जो है बड़ी स्क्रीन पे इधर शो करवाता हूँ। जो मैंने जंपर डाला है इस पर वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्लियर स्क्रीन पे, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसके ये जंपर डाला है ये वाला। तो इससे ये मेरी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो चुकी है। नंबर 5 वाले पॉइंट पे मैंने जंपर किया तो इससे वाइट LCD प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अभी हम मोबाइल को ऑन करके भी चेक करेंगे कि इसकी जो वाइट LCD प्रॉब्लम है वो ख़त्म हुई है या नहीं। तो इसको मैं लगाऊंगा बाद में, अभी मैं सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए यहाँ पे LCD को ऐसे ही बिठा के इस तरह से बिठा लेता हूँ मैं, और आपको अभी मोबाइल ऑन करके दिखाते हैं। तो अभी ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया है और इसमें ये LCD सही तरह से बैठी नहीं है, तो दोबारा से बिठा लेते हैं। तो इसको दोबारा ऑन करते हैं हम। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी ये वाइट LCD प्रॉब्लम जो थी ये सिर्फ एक जंपर से जो है क्लियर हो चुकी है। तो इस तरह अगर आपके पास भी ये मोबाइल आता है तो इसकी आप ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहे। इसके अलावा हम ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करवाते हैं। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की स्क्रीन पे अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।